पिछले महीने अपने स्टिकर फीचर को सक्षम किया और मुख्य एप्लीकेशन में कई स्टिकर पैक पेश किए। स्टिकर पैक के बारे में जानकारी के इच्छुक लोगों के लिए व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप के हिस्से के रूप में 12 स्टिकर लॉन्च किए हैं। प्रारंभिक लॉन्च के भाग के रूप में उपलब्ध अधिकांश स्टिकर पैक फेसबुक मैसेंजर पर पहले से ही उपलब्ध हैं, लेकिन इस फीचर के बारे में दिलचस्प बात यह है कि अगर आप एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर हैं, तो आप आसानी से नए स्टिकर पैक बना सकते हैं और उन्हें अपने व्हाट्सएप में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा कई एंड्रॉइड डेवलपर गूगल प्ले स्टोर पर स्टिकर पैक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये ऐप कई सारे स्टिकर्स के साथ आते हैं जिन्हें यूजर्स व्हाट्सएप से जोड़ सकते हैं। अधिकांश डेवलपर्स क्रमिक अपडेट के साथ अपने ऐप में अधिक स्टिकर पैक जोड़ते रहते हैं। हालांकि कुछ डेवलपर्स प्ले स्टोर पर एप्स भी पोस्ट कर रहे हैं जो उपयोगकर्ताओं को अपने स्मार्टफोन पर स्टिकर के रूप में छवियों को परिवर्तित करने की अनुमति देते हैं। इसमें उन सभी छवियों को शामिल किया जाएगा जिन्हें किसी ने सहेजा है या सेल्फी सहित अपने स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके कैप्चर किया है। एंड्रॉइड पर स्टिकर के विकास के लिए लोकप्रियता हासिल करने वाले एप्स में से एक है जिसे स्वेन वैन डेर जी द्वारा स्टिकर स्टूडियो कहा जाता है। यह मुफ्त ऐप आपको तस्वीरों को स्नैप करने या इसमें छवियों को आयात करने की अनुमति देता है और फिर उपयोगकर्ताओं को उस हिस्से के चारों ओर एक रूपरेखा बनाने की अनुमति देता है जिसे आप स्टिकर में बदलना चाहते हैं। एप्लीकेशन का प्रारंभिक संस्करण कई सीमाओं के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद की अपडेट में अधिकांश सीमाएं हटा दी गईं। यकीनन यह व्हाट्सएप पर नए स्टिकर बनाने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। ऐप के साथ कुछ प्रतिबंध यह है कि आपको उनमें से एक पैकेट को व्हाट्सएप में निर्यात करने से पहले कम से कम 3 स्टिकर बनाने की आवश्यकता होगी। ऐप में अधिकतम 10 स्टिकर प्रति पैक के साथ 10 स्टिकर पैक की सीमा है। व्हाट्सएप स्टिकर, अब आप कस्टम स्टिकर बनाने के लिए अपनी छवियों और सेल्फी का उपयोग कर सकते हैं। यह भी पढ़ें व्हाट्सएप स्टिकर, अब आप कस्टम स्टिकर बनाने के लिए अपनी छवियों और सेल्फी का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो व्हाट्सएप ग्रुपों की संख्या में हैं और इंटरनेट पर उपलब्ध होने के बजाय अपने स्वयं के प्रतिक्रिया स्टिकर साझा करना पसंद करेंगे, तो यह ऐप वह होगा जो आपको अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर डाउनलोड करना होगा। चूंकि फीचर लाइव हो गया था, इसलिए स्टिकर अधिकांश व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं के लिए एक चीज है। त्योहारी सीजन के दौरान बहुत से व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं ने ट्वीट किया कि वे केवल दोस्तों और परिवार से स्टिकर प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उस सुविधा में एक नया मानव तत्व जोड़ना चाहते हैं, तो स्टिकर स्टूडियो वास्तव में काम करेगा। अन्य डेवलपर्स ने लाइक स्टिकर मेकर और व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप पर्सनल स्टिकर जैसे अपने ऐप लॉन्च किए हैं जो आपको व्हाट्सएप के लिए अपने स्वयं के स्टिकर बनाने की सुविधा देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।